गाइस, आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रिटेल सेक्टर के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रिटेल ट्रेड होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, रिटेल ट्रेड की पूरी डिफिनेशन देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो सेशन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आप को मैं रेगुलर इंटरवल में वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिटेल ट्रेड के डिफिनेशन से कि रिटेल ट्रेड होता क्या है। रिटेल ट्रेड इज़ दैट बिजनेस एक्टिविटी विच एसोसिएटेड टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर। रिटेल ट्रेड एक खुदरा विक्रेता की बिजनेस एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाती है। मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पेन बनाने वाली कंपनी क्या करती है कि वह बहुत ही पर्याप्त मात्रा, जैसे कि 1,000, 2,000, 10,000 की क्वांटिटी वह रोज़ प्रोड्यूस करती है, अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है पेन का। वो क्या करती है, होलसेलर को देती है कि आप क्या करो, यहाँ से होलसेलर को देता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को ये प्रोवाइड कराओ ताकि जो मेरा पेन है वो बिक जाए। अब वहाँ से क्या करते हैं, होलसेलर से रिटेलर्स खरीदते हैं पेन को कि आप मुझे 500, 200 ये पेन की क्वांटिटी दे दो। या फिर क्या करते हैं, वो 100 100 पेन अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग डिफरेंट पेन्स वो क्या करते हैं, परचेस करते हैं और उसको सेल करते हैं। और उन पेन्स को वो कहाँ पहुँचाते हैं, फाइनल कंज्यूमर तक, जिसे उस पेन की ज़रूरत है। तो ये रिटेल ट्रेड कहलाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर से लेकर के होलसेलर को आता है पेन, होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को प्रोवाइड कराता है, और रिटेलर फाइनल कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट सप्लाई यानी कि पहुंचाती है। ये रिटेलर्स जो होते हैं, रिटेलर सेल प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटी टू द कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज़, नॉट फॉर एनी अदर यूज़ लाइक रिटेल और बिजनेस यूजेस। मतलब कि रिटेलर जो होते हैं, वह प्रोडक्ट को स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूमर को प्रोवाइड कराते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, ना कि उसे उसके बाद रीसेल करने के लिए, और ना ही उसका कोई फर्दर बिजनेस यूजेस के लिए उसे प्रोवाइड कराते हैं। इट मीन्स कि जो लास्ट यूज़र होता है वो कंज्यूमर होता है उस प्रोडक्ट का, जिसे रिटेलर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। फ्लिप कोटलर ने भी रिटेल के बारे में कहा था कि रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर द पर्सनल यूज़। ठीक है, मतलब कि रिटेलिंग एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटी, एक ऐसा इंक्लूडिंग एक्टिविटी है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद करता है। यानी कि एक रिटेलर का जो काम होता है, वो पर्सनली उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आप किसी, जो घर में रह रहे हो, कभी कभी होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स उस प्रोडक्ट को ला करके आपको देते हैं, जिसमें कि यहाँ कभी कभी आपको देखने को मिलता है पर्सनल एंड नॉन पर्सनल यूजेस। तो बेसिकली इसका मतलब यही होती है कि अगर आप उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर के आते हैं, तो उसके बाद उसकी ना कोई फर्दर रीसेलिंग होगी, ना ही उसका कोई आगे बिजनेस यूजेस होगा। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यानी कि रिटेल रिटेलिंग की फंक्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट क्या होता है, असॉर्टमेंट्स इनेबल कस्टमर्स टू चूज़ फ्रॉम ए वाइड सेलेक्शन ऑफ ब्रांड्स, डिज़ाइन, साइजेस, कलर एंड प्राइस इन वन लोकेशन। असॉर्टमेंट क्या होता है, रिटेल सेक्टर में ये सबसे बड़ी बेनिफिट होती है कि जब सपोज दैट अगर आप किसी एक शॉप पे जाते हो, जैसे कि आपको जीन्स परचेज करना है, तो आप उस शॉप पे जाते हो, बोलते हो कि मुझे जीन्स परचेस करना है, वो आपसे बेसिकली साइज़ पूछते हैं, साइज़ के बाद वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस एंड डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के बेसिस पे। तो आपको एक ही जगह पे डिफरेंट चीज़ें का कलेक्शन मिल जाता है एक ही प्रेस पे। इसके बाद जो फंक्शंस आती है वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, कंज्यूमर विल प्रीफर टू चूज फ्रॉम ए लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देन यूजुअली बाय इन स्मॉलर क्वांटिटी। मतलब कि कंज्यूमर क्या करते हैं कि वो, जैसे कि आप, अगर आप जींस वाले, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जींस वाले शॉप में जाते हो, तो आप क्या करते हो, उनसे बोलते हो कि आप जींस दिखाओ, तो वो क्या करते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के, डिफरेंट डिफरेंट
प्राइसेस वाले जींस शो करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस भी होते हैं। तो आप क्या करते हो, 10 जैसे कि आपने जींस देखा, उसमें से क्या करते हैं, एक जींस या दो जींस को बेसिकली आप परचेज करते हैं। मतलब कि आप एक ही प्लेस पे बहुत सारे डिफरेंट चॉइसेस के साथ एक स्मॉलर क्वांटिटी को, जो कि आपके लिए बेस्ट होता है, उसे परचेज करते हैं एक ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बिना किसी अनदर प्लेस पे विजिट किए, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ब्रेकिंग बल्क्स, जैसे कि रिटेलर्स बाई एंड देन सेल इन अ स्मॉल क्वांटिटी। मतलब कि रिटेलर्स जो होते हैं, रिटेलर बल्क में किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विसेज को परचेस करते हैं और उसे वो अ स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल करते हैं। मीन्स वो परचेस करते हैं 100, 200, 500, 1000 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और उसे वो स्मॉल क्वांटिटी में अपने ग्राहक, अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, एक रिटेल सेक्टर की ये क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, रिटेलर्स आर लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड होलसेलर। रिटेलर क्या होते हैं, लिंक होते हैं कंज्यूमर और होलसेलर के बीच में। मीन्स मैन्युफैक्चरर से होलसेलर परचेस करते हैं, होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड कराता है, और रिटेलर जो होते हैं वो कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। इट मीन्स ये रिटेलर्स को इसीलिए कहा जाता है कि ये एक लिंक का काम करते हैं होलसेलर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आती है, दे कीप प्रोडक्ट इन अ स्मॉल क्वांटिटीज बट दे आल्सो कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया जींस वाला, उसमें क्या था कि एक रिटेलर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड के जींस रखता है, उसमें डिफरेंट टाइप के साइजेस होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। वो क्या करता है कि कस्टमर को प्रोवाइड कराता है, मीन्स एक ऐसे पर्टिकुलर लोकेशन पे एक पर्टिकुलर रिटेलर के पास बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट, बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में सर्विसेज, बहुत ही कम क्वांटिटी में ब्रांड्स होते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को रखते हैं अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है, रिटेलर एम इज़ टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू देयर कंज्यूमर कस्टमर इन अ लिमिटेड एरिया। विच मीन्स जैसे कि जो भी रिटेलर होता है उनका मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी होता है, वो मैक्सिमम वो यही एम करके चलते हैं कि अपने जो भी कस्टमर कंज्यूमर है उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराऊं, ताकि वो आगे से भी मेरे ही शॉप में आए। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या, आप देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक शॉप होती है जो कि एक लिमिटेड एरिया को कवर करता है। मीन्स अगर आप जैसे कि कभी कभी फॉर एग्जांपल कोई डिश का एग्जांपल ले सकते हो, कि आप जैसे कुछ खाने का जब आपको मन करता है तो पर्टिकुलर एक ही शॉप का इमेज आपके दिमाग में आती है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं जो आपको खाना हो। जैसे कि आप होटल्स में जो डिश पसंद करते हो, जिस होटल का, उस होटल में जाते हो, वही चीज़ की छवि आपके दिमाग में आती है। तो उसी प्रकार से एक रिटेलर का भी एम होता है कि वो अपने ब्रांड की, वो अपने शॉप की इमेज ऐसे बनाए, ऐसे अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करे कि आगे से भी वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि वो उसी दुकान, उसी शॉप में हमेशा से लगातार से पहुंचते रहें। ये जो रिटेलर का एरिया होता है वो पर्टिकुलर एक स्मॉल लोकेशन पे होती है, बट वो मैक्सिमम चांसेस में कस्टमर को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, रिटेलर परचेज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर इन क्रेडिट एंड सेल देम इन कैश। मतलब कि जो रिटेलर होते हैं वो बल्क में प्रोडक्ट को होलसेलर से परचेज करते हैं क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे, और उसी कंज्यूमर को बेच करके उन्हें पैसे चुका देते हैं।